खरगोन जिला चिकित्सालय के सफाई कर्मियों ने अपनी मूलभूत मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है और जिला कलेक्टर कार्यालय जाकर शिकायती आवेदन पेश किया। हम आपको बता दें कि शासकीय अस्पतालों में सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई, लेकिन समय निकलने के बावजूद मूलभूत सुविधा से वंचित रहने पर कर्मी लामबंद हुए और कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सफाई कर्मियों ने फील्ड ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी मेन शिकायत तो ये थी कि हमारा जो यूएन नंबर है वो जनरेट अभी तक हुए नहीं है, और जब से हम काम पे लगे हैं उस समय से हमारा कोई पीएफ कटौती की जानकारी है ना, हमारा कोई स्वीकृत वेतन अभी तक मिला है। हमारी मांग ये है कि हमारा स्वीकृत वेतन दिया जाए फरवरी 2021 से लेकर आज तक, और उसी आधार पर यूएन में जो कटौती हुई है उसकी हमको पूरी डिटेल दी जाए। इसके अलावा एक कोई शिकायत भी की है रविंद्र चौहान? हाँ, वो फील्ड ऑफिसर के विरुद्ध है। अगर जैसे हम कोई सी चीज़ की मांग करते हैं तो वो कर्मचारियों को बंद करने की धमकी दी जा रही है। तो क्या चाहते हैं? कर्मचारी लेकर आ जाऊँगा काम पर। क्या मांग कर रहा है आप? हम शासन से ये मांग करते हैं कि जो ट्रस्ट है जो हमारे कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। क्या नाम है आपको? साजिद खान, सफाई कर्मचारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।